ये तो सही, अब तो एग्जैक्ट पोल आ रहे हैं और मैं देख रहा हूँ 22-23 से इस समय बीजेपी को और 44-42 जो भी चल रहा है, मेरा ये मानना है कि इंतज़ार किया जाए। अब तो इस समय और कुछ बोलने का समय नहीं है। मनोज जी, गैप बहुत ज्यादा है, गैप ज्यादा है, 50 पार कर रहा है उनका आंकड़ा, आप जो है 15-20 के बीच में, वो 50 क्रॉस कर रहे हैं, बहुत लंबा गैप है, ये कैसे पार होगा गैप? ये हमारा जो अनुमान है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में फैसला होगा, उससे जरूर हम अभी तक का जो निर्णय है, रुझान है, वो थोड़ा गैप है, लेकिन जिस तेजी से वो गैप पट रहा है उसमें कुछ भी हो सकता है, बट मैं अभी कुछ नहीं बोलूंगा। पर निराशा अभी तक, मनोज भाई, अभी तक जो आ रहा है उससे निराशा क्यों नहीं, बिल्कुल निराशा नहीं, निराश बिल्कुल नहीं है आप? बिल्कुल निराशा नहीं है। लग रहा अभी मेजोरिटी पा जाएंगे आप? अरे भाई, अभी तो 10 बज रहा है, 12 बजे के पहले क्यों आप हमको हराने में लगे? शुरुआत में आप बहुत पिछड़ गए हैं, लंबा गैप हो गया, पिछड़ गए हैं आप शुरू से। नहीं, ठीक है, देखो, शुरुआत हुआ तो 14-15 पे आगे थे, अभी 23-24 पे आगे हैं, 22 पे आगे हैं, तो आप देखते रहिए। लेकिन इतना पिछड़े क्यों, कमी कहाँ रह गई मनोज भाई? अभी पिछड़े कहाँ हैं, अभी अभी आगे चल। अच्छा मनोज भाई, क्या आप जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं? मनोज तिवारी कह रहे हैं सौरभ इंतजार कीजिए, और उनका एक बड़ा वो ट्वीट जो है जिसमें उन्होंने कहा था उसे संभाल के रखिए, अगर वो हार जाए तो कह सकते हैं रखिए, उसमें करना क्या, रखिए, मैंने तो कहा रखिए।